हे गेमर्स, तो कैसे हो भाई लोग, क्या हाल आप सबके। आई होप आप सब मस्त होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको पबजी न्यू स्टेट की बेसिक सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, जिससे क्या होगा अगर आप लोग वीडियो एंड तक देख लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको पीक वाला कैसे इनेबल करना है, जैसे कि हम लोग फायर करते तो शोल्डर पे चली जाती है गन, वो कैसे इनेबल डिसेबल होगा, क्विक स्कोप वाला ऑप्शन कैसे आएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अब लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर अलग अलग वीडियो बना के आप ही का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, इसी वीडियो में एक एक सेटिंग्स के बारे में बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे एक लाइक कर देना। अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, एवरी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स पे, और यहां पे आपको दो जगह पे सेटिंग देखने को मिलेंगी। पहले तो आपको गेम प्ले में देखेंगी, उसके बाद कंट्रोल्स में, ठीक है। दो जगह पे सेटिंग्स है, तो पहले यहां पे गेम प्ले में देख लेते हैं। तो गाइस, इसमें आपको क्या-क्या इनेबल करना है ये मैं आपको बता दूं। तो साउंड ट्रैकर इनेबल रखना, साउंड ट्रैकर विद आइकन भी इनेबल रखना, 3D वाला भी इनेबल रखना, और ब्लॉक वाले जो है इसको इनेबल डिसेबल करने पे क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी वो डिसेबल है, तो आप लोग देख सकते हो जो मेरा क्रॉस हेयर है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी लोग इस पे चढ़ जाते हैं, एक सेकंड, ये देखिए अभी मेरा क्रॉस हेयर इसके सामने भी दिख रहा है। अगर मैं फायर कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्रॉस हेयर दिख रहा है, और यहाँ पे भी है तो सामने क्रॉस हेयर दिख रहा है, और फायर नीचे हो रहा है लेकिन हमको क्या लगेगा सामने हम लोग फायर कर रहे हैं। तो इसको हमको क्या करना है, अगर हम लोग इसको इनेबल कर देते तो ये खुद ही बता देगा कि आपका जो फायर है वो नीचे जा रहा है, तो आप थोड़ा सा और बाहर करो एम, उसके बाद एम लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आने पे क्रॉस हेयर दिख रहा है, और जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं फिर से गायब हो जाता है। तो अगर ऐसा रेड मार्कर आपके में दिखता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि सामने फायर नहीं जा रहा, जो फायर है वो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको इनेबल रखना, इससे आपका बहुत फायदा होगा। तो इसको इनेबल कर दिया, उसके बाद हील वाला तो आपको इनेबल रखना है हमेशा, उसके बाद ऑटो फॉलो। ऑटो फॉलो तो आपको मालूम होगा, ऑटो फॉलो करने पे क्या होता है कि जब आप लोग जंप करोगे, जैसे आप लोग प्लेन में आओगे तो ऑटो फॉलो हो जाएगा। इसको आप लोग इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अब मैं इसको इनेबल रखने वाला हूँ। उसके बाद आता है मेन चीज़, स्कोप क्विक स्लॉट। अब ये डिसेबल है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कहीं पे भी स्कोप चेंज करने वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। हमें बैग ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद सक्सेस लगाने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसको इनेबल करने के बाद क्या होगा कि आपका जो स्कोप वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2S लगा सकता हूँ मैं डायरेक्टली, और 6S भी डायरेक्टली लगा सकता हूँ। तो ये बहुत बढ़िया है, आप लोग इसको इनेबल रखना हमेशा, क्विक स्कोप वाला ऑप्शन ये है। उसके बाद TPP FPP स्विच बटन, इसके डिसेबल करने पर यहाँ पे कहीं पर भी FPP करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसको हम लोग इनेबल कर देंगे तो FPP करने का ऑप्शन दिख रहा है। आप लोग देख सकते हो मैं FPP कर सकता हूँ। तो गाइस, ये तो आपको पहली सेटिंग रही। दूसरी सेटिंग के बारे में बता देता हूँ जो कि मेन सेटिंग है। तो कंट्रोल्स में चलते हैं, और यहाँ पे बेसिक सेटिंग करके नाम नहीं है, इसका नाम है एक्शन बटन। तो यहाँ पे आपको सारी सेटिंग्स दिख जाती है, कौन सी ऑन रखनी है, कौन सी ऑफ रखनी है। तो पहले मैं आपको बता दूँ आपको कौन कौन सी ऑन रखनी है। सबसे पहली वाली सेटिंग हमेशा आपको कंबाइंड जंप बटन ही रखना है। इससे क्या होगा, आप लोग जैसे किसी भी लोकेशन पर आते हो, जैसे कि ये सामने, अगर हमको इसके ऊपर चढ़ना है तो जंप वाले पर ही क्लिक करेंगे चढ़ जाएगा, और अगर हमको इसके पार जाना है तो जंप करेंगे और पार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा कंबाइन करने पर क्या होगा, जंप चढ़ने वाले में भी होगा और जंप करने वाले में भी होगा। और अगर हम लोग इसको सेपरेट बटन कर देते हैं तो अब हम लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं जंप वाले पे, लेकिन इस पर चढ़ नहीं रहा है क्योंकि हमें दूसरे बटन पे क्लिक करना होगा। तो सेपरेट बटन का काम ये है कि दो जंप वाले बटन आ जाते हैं, तो इसको हमेशा कंबाइन जंप बटन ही रखना। उसके बाद यहाँ पे पीक का ऑप्शन है, तो पीक आप लोग देख सकते हो नोन है, टैप है, और लॉन्ग प्रेस और स्वाइप। तो स्वाइप वाले के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ, स्वाइप को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज है। अगर हम लोग स्वाइप वाला कर देते, पहले तो कंट्रोल्स पे चल के इसको अलग जगह पे करता हूँ, तो यहाँ पे ये स्वाइप वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। इसको हटाते, दूसरी जगह पे करते, ये हो गया। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्वाइप करके पीक वाला, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, ठीक है। स्वाइप वाला अगर हम लोग सेट कर लेते तो ऐसे ऐसे होगा, हम लोग लेफ्ट राइट ऐसे कर सकते हैं। और इसको हम लोग पबजी मोबाइल की तरह अगर यूज़ करना चाहे तो सबसे बेस्ट है लॉन्ग प्रेस। लॉन्ग प्रेस में क्या होगा, आप लोग जब तक क्लिक करके रखोगे तब तक रुका रहेगा पीक पे, जैसे ही छोड़ दोगे हट जाएगा। उसके बाद आता है टैप, तो टैप पे तो आपको मालूम है जब क्लिक करोगे ऐसे क्लिक हो जाएगा, उसके बाद हट जाएगा, क्लिक करोगे फिर से आ जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो पीक वाले में यही है, जब क्लिक करके छोड़ दोगे तब तक रुका रहेगा, जब दोबारा क्लिक करोगे तभी वो हटेगा, ठीक है। तो टैप वाला ये बटन हो गया। और अगर नोन कर देते तो देख लेते हैं, नोन पे क्या होगा, पीक वाला ऑप्शन ही गायब हो जाएगा। तो नोन अगर आपके में है तो आपके में पीक वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा। इसको आप लोग क्या करना है, लॉन्ग प्रेस कर लेना, बेस्ट है। उसके बाद आता है ऑटोमेटिकली स्विच टू स्कोप मोड विन पीकिंग। तो आप लोग देख सकते हो जब मैं पीक कर रहा हूँ तो स्कोप ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। पीक करने पर स्कोप ओपन नहीं हो रहा है। अब जैसे ही मैं कंट्रोल्स में यहाँ पे इनेबल कर दूंगा इस वाले सेटिंग को, तो स्कोपिंग हो जाएगा, जैसे हम लोग पीक करेंगे स्कोप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है कि हम लोग पीक करते ही स्कोप ओपन नहीं करना पड़ेगा, आपको पीक करते ही स्कोप ओपन हो जाएगा, आप लोग फायर कर सकते हो। तो ये वाली सेटिंग है। उसके बाद और भी सेटिंग्स देख लेते हैं।
उसके बाद आता है रोल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे डबल टैप क्राउच बटन सेपरेट बटन, ठीक है। तो डबल टैप क्राउच बटन अगर हम लोग कर देते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो क्राउच वाला बटन है, इस पर हम लोगों ने दो बार दबाया और पल्टी मार गया, ठीक है। फिर दो बार दबाया, पल्टी मार गया, ये इससे काम करेगा। और एक चीज़ और इसी सेटिंग में, मतलब आप लोग क्राउच को दबा के रखोगे तो लेट भी जाएगा। इसी सेटिंग में अगर आप लोग ये वाली सेटिंग रख रहे हो तो क्राउच करके रखोगे लेट जाएगा, उसी पे दबा के रखोगे अगर आप लोग, आपको प्रोन वाला दबाना नहीं पड़ेगा, उसी में लेट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इसको क्या करते हो, कहाँ गया रोल वाला, ये रहा, अगर आप लोग इसको सेपरेट बटन कर देते हो तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग क्राउच पे दबाओगे चाहे दो बार दबाओ तब भी नहीं रोल आउट होगा, और अगर आप लोग इस पे दबा पे रखो तो लेटेगा नहीं, आपको एक और कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जंप वाला एक और कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मत करना, मैं आपको बताऊं आप लोग इसको क्या करना, डबल टैप क्राउच बटन, ठीक है, हमेशा यही रखना, बेस्ट है। उसके बाद जायरोस्कोप तो आपको मालूम है, नॉन रखोगे जायरोस्कोप नहीं काम करेगा, स्कोप मोड ओनली रखोगे स्कोप पे काम करेगा, और ऑलवेज आपको हमेशा रखना है। अगर आप लोग स्कोप मोड खेलते हो पबजी मोबाइल के अंदर तो आपको स्कोप वाला ऑन रखना है, और आप लोग देख सकते हो स्कोप वाला काम कर रहा है, ठीक है, ऐसे करने पे भी काम कर रहा है और नॉर्मली भी काम कर रहा है, तो आपको इसको हमेशा ऑलवेज पे रखना है। और इसके बाद और भी सेटिंग्स है, वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी सेटिंग है। पहले मैं जायरोस्कोप को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नॉन कर दिया। उसके बाद आता है स्कोप एंड शोल्डर मोड, ठीक है। तो यहाँ पे कंबाइंड बटन दिख रहा है और सेपरेट बटन दिख रहा है। अब सेपरेट बटन पे सेट है तो आप लोग देख सकते हो पीक के जस्ट ऊपर एक आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये वाला बटन। अब इससे लोग बहुत इरिटेट होते हैं, मतलब कि आप लोग फायर करने जाते हो और ऐसा हो जाता है, ठीक है, फायर करते समय। तो अगर आप लोग इसको सेपरेट बटन रखोगे तो एक बटन टाइप का रहेगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ही ऐसे होगा, क्योंकि हमारे PUBG मोबाइल के अंदर भी ये वाला कंट्रोल है और इसको कोई भी यूज़ नहीं करता है क्योंकि इससे इरिटेशन होती है। अब इसको हम लोग अगर कंबाइन बटन कर देते, उसके बाद स्कोप मोड अगर हम लोग करते, ये देखिए जैसे हम लोग स्कोप करेंगे ऐसे हो जाएगा, तो ये हमें नहीं करना है। स्कोप जैसे हम लोग स्कोप पे क्लिक कर रहे हैं तो ऐसे हो रहा है, तो इसको हमेशा आप लोग क्या करिए, सेपरेट बटन ही रखना, इसको आपको सेपरेट बटन ही रखना है। सेपरेट बटन कर दिया, और इसमें दो सेटिंग्स आपको और देखने को मिल जाती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप लोग इसको कर देते हो सेपरेट बटन, या फिर कंबाइन करोगे तो गायब हो जाएगा। सेपरेट बटन रखते हो तो इसको आपको नॉन रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको शोल्डर वाला यूज़ ही नहीं करना है, कोई भी नहीं यूज़ करता है, तो आपको इसको नन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टैप पे सेट रखना है, ठीक है, टैप पे रखना, ये सही रहेगा, आपको कभी इरिटेशन नहीं होगी। चाहे आप लोग स्कोप करो तो बिल्कुल पबजी मोबाइल की तरह होगा, आप लोग फायर करो तब भी पबजी मोबाइल की तरह होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एम लेने में, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी सेटिंग्स है। यहाँ पे इसको नॉन और टैप कर देना। उसके बाद आता है कैमरा रोटेशन। इसके बारे में मैंने देखा बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं लेकिन गलत सलत बता दे रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। अब मैं आपको बताता हूँ ये ड्रैग वाला सिस्टम क्या है। अगर आप लोग जैरो स्कोप प्लेयर नहीं हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी तक मैंने जैरो ऑफ रखा हुआ है, मैं स्कोपिंग करता हूँ उसके बाद मैं फायर करता हूँ तो देखिए पूरा ऊपर जा रहा है, बल्कि मैं अपनी जो फिंगर है वो नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, अपने अंगूठे से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिंगर से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, इस कंट्रोल में आना है और ये पहली वाली सेटिंग को ऑन किया मैंने। उसके बाद जब मैं स्कोप करूँगा, जैसे कि मैं 2x लगा के आपको दिखाता हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा, मैंने 2x लगाया, स्कोप किया, उसके बाद फायर कर रहा हूँ, मैं नीचे से जैसे फिंगर को नीचे ले जा रहा हूँ, मेरा जो कंट्रोल है रिकॉइल कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो आपको अगर आप लोग जायरो प्लेयर नहीं है, ठीक है, हैं भी तब भी आपको इसको ऑन रखना है। अगर आप लोग नहीं है तो इसको हमेशा ऑन रखना, क्योंकि इसी से आपका जो रिकॉइल है वो कंट्रोल होगा। अब ये तो हो गया आपका स्कोप वाला, उसके बाद पीक वाले में भी सेम सिस्टम है कि आपको रिकॉइल कंट्रोल करना है और शोल्डर वाला भी सेम है, तो इसको तीनों को इनेबल आपको कर देना है, तभी आपका जो रिकॉइल है, अगर आप लोग जायरो प्लेयर है या फिर नहीं है तो आपका रिकॉइल कंट्रोल होगा फिंगर से, ठीक है। तो ये आपका रिकॉइल कंट्रोल पे हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते और कौन कौन सी सेटिंग है, फिंगर रिकॉइल कंट्रोल अगर आपको करना है तो उसको इनेबल कर देना। उसके बाद एम असिस्ट तो आपको इनेबल रखना है, एम असिस्ट के बारे में तो सभी को मालूम है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है सिंगल ब्रेस्ट मोड ऑटो फायर, इसको टच होल्ड रखना हमेशा। ऑटो शोल्डर वेपन, इसको डिसेबल रखना, भाई पहले बता दूं, इसको अगर आप लोग डिसेबल रखते हो तो फायर करने पे देखो डायरेक्टली फायर हो रहा है, लेकिन अगर आप लोग इसको इनेबल कर दोगे ना, सच इरिटेट हो जाओगे भाई, परेशान हो जाओगे। ये देखो इनेबल करने पर क्या होगा, ये देखो, मतलब इस तरह से आपका एम ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएगा और आप लोग मार भी नहीं पाओगे सामने वाले बंदे को। तो हमेशा इसको डिसेबल ही रखना। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑटो शोल्डर वेपन, इसको डिसेबल कर देना। शॉटगन फायर मोड तो आपको मालूम है, हमेशा आपको टैप पे रखना है, अगर रिलीज रखोगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी, इसको टैप पे रखना, वन शॉट में डायरेक्टली आपका फायर हो जाएगा। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐसे फायर हो गया, ठीक है, अगर टैप पे तो ऐसे फायर हो गया। उसके बाद आगे दिखा देता हूँ क्या सीन है, अगर हम लोग इसको कर देते हैं शॉटगन फायर मोड को रिलीज पे, तो अभी देखिए इसको हम लोग ऐसे फायर कर रहे तो हो गया, लेकिन इस पर दबा के रखेंगे तो ये देखिए जब छोड़ेंगे तभी फायर होगा। तो ये हमेशा आप लोग टैप पे रखना बेस्ट रहेगा, ठीक है,
तो मैं आपको एक एक सेटिंग्स के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो तो इसको टैप पे रखना। स्नाइपर में भी आपको टैप पे रखना है। ऑटो पुल पिंस, इसको आपको डिसेबल रखना है। उसके बाद कैमरा वाला जो है ठीक है, इसको इनेबल रखना है। बस यही सेटिंग्स थी। आप लोग ये सारी सेटिंग्स देख लीजिए, मैं आपको दोबारा से ये सारी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। इसको इनेबल कर दो सारी, और यहाँ पे आपको कंबाइन जंप बटन, लॉन्ग प्रेस, इनेबल, डबल टैप, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, नन, उसके बाद सेपरेट बटन, नन, टैप, उसके बाद इनेबल, 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 टच होल्ड, उसके बाद डिसेबल आपको कर देना है, टैप पे रखना है, डिसेबल कर देना, इनेबल कर देना। यही सेटिंग्स है, और कोई सेटिंग नहीं है, बेस्ट सेटिंग है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पबजी मोबाइल की तरह आप लोग ये सारी सेटिंग्स खुद ही समझ सकते हो। आप लोग जब एक दो बार यूज़ करोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर एक लाइक कर दो। अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो, आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अब अगर तुम लोग उन खूबसूरत प्राणी में से एक हो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर विमल थूको या रजनीकंदा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।